चैप्टर वन को हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा था। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी अपने फ़ायदे के लिए, अपने फलाह के लिए। इसको पढ़ने के लिए हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं और उन पॉइंट्स को वन बाय वन देखते जाएंगे कि क्या फ़ायदे हैं जो कि बायोलॉजी से हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट प्रोडक्शन, उसके बाद एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, और हम स्टडी करेंगे बायो पेस्टिसाइड्स को, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स, फूड प्रिजर्वेशन, इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं जो कि बायोलॉजी से हमें मिलते हैं। तो वन बाय वन एक एक बात को देखते जाएंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से न्यू वैरायटीज बना सकते हैं प्लांट्स की, और वो ऐसी वैरायटीज हों जो कि हमारे फायदे के लिए हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, हम राइस के एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कोई ऐसे राइस बना लें जो इनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और जो हमें चीप भी पड़े, तो इस तरह की डिफरेंट डिजायर्ड क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्लांट प्रोडक्शन के अंदर भी। इसके अलावा हम एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, डिजीज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, ये भी एक क्वालिटी है जो कि प्लांट्स के अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि इन चीज़ की यील्ड भी अच्छी हो। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि हम कह सकते हैं कि किसी भी फूड के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर पाई जानी चाहिए। और इन चीज़ों को प्रोड्यूस कराने के लिए हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, और ये हमारे एक फ़ायदे के लिए और ये हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग का। अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। ब्रीडिंग में हम बेसिकली ये करते हैं कि जो भी हमें डिजायर्ड क्वालिटीज होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, हम उस तरह के प्लांट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कराते हैं या फिर हम उस तरह के एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बेहतर वराइटीज़ आ जाएँ डिफरेंट चीज़ों की, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास वीट अच्छी आ जाए, राइस अच्छी आ जाए, या फिर अगर हम कहें कि हमें चिकन अच्छा चाहिए, काउस की हमारे पास अच्छी वराइटीज़ आ जाएँ, तो उसके लिए हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम अपने डिजायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। और ब्रीडिंग का मतलब यह है कि हम मेटिंग कराते हैं उन इंडिविजुअल्स की जिनके अंदर हमारी फेवरेट क्वालिटीज़ मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्रॉयलर्स आ जाते हैं, ब्रॉयलर्स, जिनको यूज़ करते हुए हम जल्दी से जल्दी और सस्ते से सस्ता गोश्त हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग डिजीज़ रेजिस्टेंस की बात करें, डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी कि अगर हम ये देखें कि हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कराएं, डिजीज़ रेजिस्टेंस की बात करें, तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे स्पीशीज प्रोड्यूस करें जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, यानी कि उनको कोई भी बीमारी ना लग सके। इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं इसके लिए,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स को इंडिविजुअल्स के अंदर डाल देते हैं और वो सेल्स जिनके अंदर वो जीन्स डाली जाती हैं वो जब डिवाइड और ही डिवाइड करते हैं तो इस तरह से वो जीन पूरे बॉडी का हिस्सा बन जाती है और पूरे की पूरे बॉडी प्लांट की या एनिमल की डिजीज रेजिस्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स को ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स तो हम इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स की क्लोनिंग कर देते हैं, क्लोनिंग करवा देते हैं और क्लोनिंग के थ्रू होता यह है कि हम आइडेंटिकल कॉपीज बना देते हैं। आइडेंटिकल मीन्स सेम, यानी एक ही जैसे जीन्स की ढेर सारी कॉपीज बना देते हैं और उनको डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक का बेसिकली मतलब यह होता है कि वो पौधे जिनके अंदर हमने कोई ना कोई फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन्स डाली होती हैं। फॉरेन जीन का मतलब हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल जीन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डाले हुए होते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टेक्निक्स जिनको यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एग्जैक्टली इसी तरह की एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट टिश्यूज को कल्चर के अंदर प्रोड्यूस कराते हैं जो कि हमारे डिजायर्ड क्वालिटीज के मुताबिक होते हैं। यानी हम जीन क्लोनिंग को यूज करते हुए डिफरेंट तरह के टिश्यूज प्रोड्यूस कराते हैं और फिर उनको इंडिविजुअल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उनको इंडिविजुअल्स के अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। प्लांट्स की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज करने के लिए डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस इसका मतलब ये होता है कि डिजीज कॉजिंग ऐसी चीजें जो कि बीमारियां ऐसी चीजें जो कि बीमारियों का बायस बन सके। तो डिफरेंट तरह के फॉर एग्जाम्पल पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, डिफरेंट तरह के पैथोजेनिक फंजाई होते हैं जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इसी तरह डिफरेंट तरह के पेस्ट्स होते हैं यानी के और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि इनको ख़त्म करके प्लांट के प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सके। प्लांट्स के लिए डिफरेंट तरह के जो फंजाई के लिए डिफरेंट तरह के जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं फंजीसाइड्स। इसी तरह अगर हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज करें हम उनको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। इसी तरह जो पेस्ट्स होते हैं डिफरेंट तरह के परिंदे होते हैं उनको किल करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं हम उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आपस में लिंक्ड हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा केमिकल्स को प्लांट के अंदर यूज करें तो हमें उसका नुकसान भी है और नुकसान उसका यह है कि जब केमिकल्स पौधों के अंदर जाते हैं तो वो केमिकल पौधे का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा उन पौधों को अगर तो वो हमें फूड प्रोवाइड करें हैं तो वो पौधे जब हमारे जिस्म का हिस्सा बनेंगे तो वो केमिकल्स भी हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ताकि हम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एलजी को या बैक्टीरिया को यूज करते हुए फंजाई को किल करवाना चाहें या फिर हम डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स को यूज करवाएं जो कि किल कर सके डिफरेंट अदर इंसेक्ट्स वगैरह को। एग्जाम्पल हम इसके इस तरह से देख सकते हैं, एफिड की अगर हम एग्जाम्पल लें, एफिड जो है वो वॉलनट ट्री को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसे खाता जाता है और जो ट्री है वॉलनट का, जो अखरोट का जो पौधा है वो पूरा का पूरा भी खत्म हो सकता है। अब अगर हम एफिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वैस्प यूज कर सकते हैं। वैस्प जो है बी की मेल बी जो होती है हमारे पास, इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि वो एफिड को खा ले और इन रिटर्न हमारा वॉलनट ट्री जो है वो सेव रह सके।
इस चीज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया और कोई केमिकल्स और कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी नहीं बन सके। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था बायो पेस्टिसाइड्स का। बायो पेस्टिसाइड भी बायोलॉजिकल कंट्रोल से मिलती जुलती ही टर्म है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट अदर डिजीजेस को खत्म कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस तरह से या फिर कुछ दूसरे मेथड्स को यूज करते हुए अगर हम डिजीजेस को खत्म करें तो इसको हम कहते हैं कि ये है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यानी कि हम किसी न किसी डिजीज को खत्म कर रहे हैं और उसके लिए हम कोई ना कोई स्टेप लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स। हम जब सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल एक बहुत ही कम्प्लेक्स मीडियम है। कम्प्लेक्स मीडियम हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट तरह के इसकी कंपोजिशन है और ये कंपोजिशन डिफर करती है प्लेस टू प्लेस, यानी हर जगह पे सॉइल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकती है। इसके अंदर डिफरेंट तरह की न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट तरह की चीजें पाई जा सकती हैं। ये वजह कि जब हमने प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है तो सॉइल के अंदर प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज करते हैं और हम ये देखते हैं कि कोई खास न्यूट्रिएंट पौधे के लिए जरूरी है या नहीं है, या फिर किसी खास न्यूट्रिएंट को लेने से पौधे की लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। और इसमें बेसिकली करते क्या है, करते ये है कि हम प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो कराने के बजाय प्लांट को वाटर के अंदर ग्रो कराते हैं और हम ये देखते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट पौधे के लिए यूजफुल है या नहीं। इस वाटर के अंदर हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं जो भी हमारे डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फिर हम उन रिजल्ट्स को चेक करते हुए ये देख लेते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए यूजफुल है और कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। इसको हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जिसके अंदर हम प्लांट्स को वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं और उस वाटर के अंदर हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं। ऑल्दो ये बहुत प्रेफर्ड तरीका नहीं है प्लांट को प्रोड्यूस करवाने का, लेकिन डिफरेंट जगहों पे इसको यूज भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एस्ट्रोनॉट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉट ने जब स्पेस के अंदर के प्लांट को ग्रो करवाना हो तो वह ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो फूड प्रिजर्वेशन का था, यानी कि बायोलॉजी को यूज करते हुए हम किस तरह से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं या फिर फूड को स्टोर कर सकते हैं ज्यादा पीरियड के लिए। इसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ी भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पास्टराइजेशन की जो टेक्निक है, पास्टराइजेशन, इस टेक्निक में हम मिल्क को प्रिजर्व कर देते हैं, यानी कि हम मिल्क को ज्यादा टाइम पीरियड के लिए और फिर हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अदरवाइज एयर के अंदर डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में या फिर योगर्ट में चेंज हो जाता है। तो मिल्क को सेव रखने के लिए हम पास्टराइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं और इस टेक्निक में हम बेसिकली करते क्या है कि हम मिल्क को हीट करते हैं, एक खास टेम्परेचर पे हम मिल्क को हीट करते हैं और उसके बाद हम उसे ठंडा कर लेते हैं और इसके थ्रू मिल्क के अंदर दूध के अंदर पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया जो है और डिफरेंट हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा और तरह के डिफरेंट हमारे पास जो फूड आ जाती है उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं कैनिंग। कैनिंग के अंदर हम फूड को कैंस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कैंस में फ्रूट्स आते हैं। कैंस के अंदर डालने का फायदा ये होता है कैंस के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो सकते और इस तरह से हमारी फूड जो है वो प्रिजर्व रहती है। इसके अलावा हम हीटिंग की टेक्निक यूज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम फ्रीजिंग की टेक्निक भी यूज करते हैं और इसके अंदर होता यह है कि हम
किसी भी फूड सब्सटेंस को या तो बहुत ज़्यादा हीट कर लें या फिर हम उसको फ्रीज कर दें तो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने का चांस कम हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, हम उसे बचा लेते हैं ताकि हम उसको लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ कर सकें। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसे प्रिजर्व कर लें और हम उसे किसी दूसरे सीजन में यूज़ कर सकें। एक और टेक्निक जो फूड के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम फूड को थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट सीजन्स के अंदर यूज़ कर सकें, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम टेम्परेचर, डिजायर्ड टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर फूड थ्रू आउट द सीजन प्रोड्यूस करवाए जाए ताकि समर सीजन के फ्रूट्स हमें विंटर में भी अवेलेबल हो या किसी और सीजन का फ्रूट हमें किसी और फ्रूट या फूड किसी और सीजन में भी अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि विंटर का फ्रूट हमें समर्स में भी अवेलेबल हो या फिर समर्स का फ्रूट हमें विंटर्स में अवेलेबल हो। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने अभी तक स्टडी किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम बायोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फायदे के लिए। एक को हमने देखा प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन के बाद हमने देखा प्लांट एनिमल ब्रीडिंग, किस तरह से हम ब्रीड कराते हैं अपने डिजायर्ड करैक्टरिस्टिक्स के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स को देखा कि वो किस तरह से प्लांट्स के अंदर डिजीजेस को या फिर इंसेक्ट्स और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने बायो पेस्टिसाइड्स का जिक्र किया। बायो पेस्टिसाइड्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर से डिफरेंट हार्मफुल डिजीजेस को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को डिस्कस किया जो कि हम सॉइल के बजाय वाटर के अंदर हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। और उसके बाद हमने फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स को देखा। ये तो हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजीज कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे कि हम किस किस तरह से डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम डिजीजेस को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।